सो नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एडुकेशन चैनल में, जो कि है हमारा शिवम कुमार राइस के नाम से चैनल है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है व्हाट इज ब्लैक स्पॉट ऑन मून। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मून पे वो काले धब्बे क्या है, आखिर है क्या वो सब। बहुत सारे जो है आदमी, बहुत सारे जो है बहुत सारे पर्सन कहते हैं, और बहुत सारे जो है काल्पनिक कथाएं हैं हमारे मून के ऊपर, कि मून के ऊपर अगर है क्या वो, हम लोग को जो रात में दिखाई पड़ता है ना काले काले धब्बे से, मून के ऊपर आखिर वो है क्या। बहुत सारे आदमी कहते हैं कि वहां पे जो है गांधी जी चरखा चला रहे हैं। बहुत सारे आदमी कहते हैं कि मून के ऊपर क्या है, बहुत जो है पेड़ होंगे, इसलिए हम लोग को ऐसा दिखाई देता है। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और उसका जो है एक पर्दा फाश करेंगे कि आखिर है क्या वो। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो है आदमी जानना चाहते हैं कि आखिर है क्या। तो इससे आप जान पाएंगे, और एज वेल एज ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बार पूछा जाता है कि आखिर है क्या। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले जो है आप मून के ऊपर ब्लैक जो है स्पॉट जानने से पहले आपको ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जानने के बाद जो है आप समझ पाएंगे कि आखिर है क्या वो काले धब्बे से, जो कि मून में अक्सर हमको हम लोग को रात में दिखाई पड़ता है। देखिए, व्हाट इज एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड बेसिकली एक रॉकी ऑब्जेक्ट है हमारे स्पेस में। हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे जो है रॉकी जो है प्लैनेट्स है, बहुत सारे रॉकी ऑब्जेक्ट्स है, वे लोग जो है सन के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो है एस्ट्रॉइड है क्या, एस्ट्रॉइड बेसिकली एक रॉकी ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम में। बेसिकली एक बहुत जो है एक बॉर्डर, एक जो है घेरा है रॉकी ऑब्जेक्ट का बिटवीन मार्स और जुपिटर। मार्स और जुपिटर में एक जो है एस्ट्रॉइड, बहुत सारे उस एस्ट्रॉइड जो है रॉकी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर में। और ये जो है रॉकी ऑब्जेक्ट जो है चक्कर लगाते हैं हमारे सन की, ठीक है। और ये जो है सिचुएटेड है हमारे सोलर सिस्टम में। तो बेसिकली एस्ट्रॉइड क्या है, एक रॉकी ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम में, और ये जो है सन की चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड जो है छोटा भी होता है, ये बड़ा भी होता है। इसका वजह से ही जो है क्या बनते हैं, क्रेटर्स। तो व्हाट इज क्रेटर्स। क्रेटर्स बेसिकली हम लोग अगर हिंदी और आम भाषा में बोले तो क्रेटर्स माने होता है गड्ढा, लेकिन हर गड्ढा जो है क्रेटर्स नहीं होता। देखिए, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारे जो है सोलर सिस्टम में अभी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है सब खेल है। ग्रेविटेशनल फोर्स का वजह से सारे जो है प्लेनेट अपने जो है ऑर्बिट में जो है निर्धारित समय पे घूमते हैं। हमारा जो है प्लेन हमारा जो है आज सोलर सिस्टम जो है इतना विशाल है, तो ये जो है क्यों, थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम भी आज नहीं होते, ना ही हमारा जो है आज प्लेनेट होता। तो हमारा सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वजह से ये जो है बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो है प्लेनेट जो है एस्ट्रॉइड को खींच लेता है। आप जानते हैं कि सभी प्लेनेट में क्या है, अपना जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ड्यू टू द प्लेनेट ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एस्ट्रॉइड को जो है आकर्षित करके जो है इन्हें खींच लेता है। खींचने के बाद क्या होता है, एस्ट्रॉइड इतने तेजी से आते हैं, तेजी से आने के बाद क्या है, प्लेनेट के ऊपर गिर जाते हैं। प्लेनेट के ऊपर गिरने से क्या होगा, एक होल बन जाएगा, एक जो है बड़े से गड्ढा बन जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रेटर्स। तो आपको जो आइडिया हो रहा होगा कि मून के ऊपर एक्चुअली है क्या वो ब्लैक धब्बे, ठीक है। हाउ फॉर्म क्रेटर, क्रेटर कैसे बनते हैं, बड़े बड़े गड्ढे कैसे बनते हैं, ड्यू टू एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड का वजह से जो है, एस्ट्रॉइड गिरने से, प्लेनेट के ऊपर एस्ट्रॉइड गिरने से जो है क्रेटर बन जाता है, बहुत बड़े बड़े जो है गड्ढे बन जाता है। ये जो है हमारा क्रेटर्स, हमारा जो है क्रेटर्स कैसे बनता है, ड्यू टू एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड मतलब रॉकी ऑब्जेक्ट, रॉकी ऑब्जेक्ट कैसे गिरते हैं प्लेनेट में, ड्यू टू ग्रेट ग्रेविटेशनल फोर्स का वजह से जो है एस्ट्रॉइड को टानते हैं, रॉकी ऑब्जेक्ट को टानने से, टाने से मतलब खींचता है, खींचने की वजह से ग्रेट स्पीड के कारण जो है प्लेनेट के अंदर घुसने के घुसते हैं, देन जो है उसके ऊपर गिर जाते हैं और बहुत सारे जो है गड्ढा फॉर्म हो जाता है। द लास्ट इट इज क्रेटर ऑन अदर प्लेनेट। तो देखिए, पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि मून पे आखिर काले धब्बे हैं क्या। देखिए, एस्ट्रॉइड का वजह से मून का भी जो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स का वजह से बहुत सारे एस्ट्रॉइड को जो है
टानता है मून का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का वजह से मून जो है बहुत सारे एस्टेरॉइड जो है टानता है। एस्टेरॉइड के आने से हमारे मून पे क्या बहुत सारे जो है एस्टेरॉइड गिरते हैं। एस्टेरॉइड मीन्स बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थर जो है मून पे गिरते हैं। मून पे गिरने से क्या होगा, बड़ा गड्ढा बनेगा ना। बड़ा गड्ढा बनने से जब सूर्य का किरण जो है मून पे पड़ता है तो उस गड्ढे में मीन्स मून का जो है गड्ढे में लाइट नहीं जाने के कारण हमें रात को दिखाई पड़ता है काले धब्बे से। देखिए क्या है, देखिए हमारे सोलर सिस्टम बहुत सारे रॉकी ऑब्जेक्ट है यानी कि एस्टेरॉइड है, ठीक है। तो एस्टेरॉइड जो है चक्कर लगा रहे, ठीक है। तो एस्टेरॉइड का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स उतना नहीं होता है, इसलिए जो है वो लोग चक्कर लगाते रहते हैं और वो लोग जो है छोटे और बड़े भी हो सकते हैं। देखिए तो मून का जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी चक्कर लगा रहे, तो मून क्या करता है एस्टेरॉइड को जो है खींचता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। खींचने के कारण ये एस्टेरॉइड बड़े बड़े पत्थर जो है मून के ऊपर गिरते हैं, मून के ऊपर गिरते हैं तो उस पर क्या बनाते हैं, मून के ऊपर क्या बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं, गड्ढे बनाते हैं। उसके बाद जब सूरज का जो है रोशनी पड़ता है मून के ऊपर, तो मून के ऊपर तो वो गड्ढे के अंदर पूरा रोशनी नहीं जाने के कारण वह हम लोग को जो है रात में काले काले धब्बे से दिखाई पड़ते हैं मून के ऊपर। तो आई होप जान चुके हो कि ये काले धब्बे आखिर है क्या, बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स है और क्रेटर्स में जो है अच्छे से रोशनी ना जाने के कारण हमें काला काला धब्बा दिखाई पड़ता है रात में, ठीक है। आप जान चुके हो द लास्ट इट इज क्रेटर ऑन अदर प्लेनेट। ऐसा भी हो सकता है कि सभी जो है प्लेनेट पे भी जो है ये एस्टेरॉइड गिरते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखिए हमारे अर्थ पे भी जो है बहुत बड़ा 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 गड्ढे हैं ड्यू टू एस्टेरॉइड के कारण हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो है इंडिया में जो है एक लोनार जो है लेक है, ये क्रेटर्स है एस्टेरॉइड के कारण ही हुआ है जो कि है महाराष्ट्र में, ठीक है। और बहुत सारे जो है प्लेनेट्स पे भी गिरते हैं, जुपिटर्स मार्स इन पे भी गिरते हैं, ठीक है। तो मून जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्लेट रोल करता है हम लोग को सेव करने के लिए, हम लोग को मीन्स जो है हमारे जो है धरती को सेव करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे एस्टेरॉइड गिरते रहते तो ड्यू टू मून ग्रेविटेशनल फोर्स उस एस्टेरॉइड को अपने ऊपर खींच लेता है और उस अपने ऊपर गिरा देता है। तो हम लोग क्या हो गए, हम लोग सेव हो गए ना। तो क्रेटर्स आप समझ चुके होता क्या है और जो है एस्टेरॉइड होता क्या है और मून पे क्यों जो है काले धब्बे होते हैं आखिर, ये क्यों होते हैं। बेसिकली मून पे क्या है, क्रेटर्स है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये गड्ढे कैसे होते हैं ड्यू टू एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड कैसे गिरेगा मून के ऊपर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी सिंपल, ठीक है। तो हमारे जो है धरती पे भी बहुत बड़े 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 क्रेटर्स हैं, ये क्रेटर कैसे हुए ड्यू टू एस्टेरॉइड। हमारा डायनासोर कैसे मरा, इन्हीं के वजह से मरा, बहुत बड़े बड़े एस्टेरॉइड जो है धरती के ऊपर गिरे, तबाही मचाया, ग्रेट जो है हमारा अर्थक्वेक आया, सुनामी आया, इसके वजह से भी डायनासोर मरे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक डायनासोर के मरने के रीज़न, डेट इज़ एस्टेरॉइड गिरने और जो है क्रेटर भी बनते हैं हमारे जो है धरती में। हमारा धरती जो है एक बहुत ग्रेट जो है एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेयर से जो है घिरा हुआ है, हमारा जो है ग्रेट इन्वायरमेंट, इसका वजह से भी जो है हम लोग जो है सेव होते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रेटर हम बहुत सारे एस्टेरॉइड जो छोटे छोटे होते हैं बड़े बड़े होते हैं तो हमारे जो धरती के जो एटमोसफेयर से जो टकराते हैं ना तो वो जल उठते हैं, जल उठने के कारण जो है वो ऊपरी जल कर जो है राख बन जाते हैं और नीचे नहीं जा पाते। बहुत सारे प्लेनेट के पास क्या है, इन्वायरमेंट है ही नहीं, एटमोसफेयर है ही नहीं, इसीलिए जो है डायरेक्ट जो है उनके पर गिर कर जो है बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं। तो आई होप आप समझ चुके हैं इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, बिलीव इन योर सेल्फ और मम्मी पापा के नाम रोशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू गाइज।